मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस न्यूज़ लाइव, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 21 दिसंबर रिजल्ट का दिन, काउंटिंग का दिन, काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मटिया ब्रुज में है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार साहब, हमारे सामने में रूबरू है। मुख्तार साहब ने मटिया ब्रुज असेंबली में बड़ी जीत दर्ज करवाई है, वसीम अंसारी को जिता कर। चलिए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग से ही 137 नंबर वार्ड में कांटे का टक्कर था, डिमांड था कि हर हालत में जो है अधीर रंजन चौधरी साहब बोल के हर हालत में सीट निकालना। चलिए बातें करते हैं, आपके कैंडिडेट हुजूर जीत चुका है, जीत करके बड़ी मार्जिन से जीता है, क्या कहते हैं इस जीत के बारे में? देखिए, ये जीत सच्चाई का जीत हुआ है जी, आवाम का जीत है। दोनों 7 साल में दोनों आवाम को जो रुपया लूटा, जो दुर्नीति किया आन फान के नाम पे, मिड डे मील के नाम पे, जो सरकारी राशन आया गरीब को मिला नहीं, सब अपने पॉकेट भरा, इसका जवाब आवाम 21 तारीख को दे दिया कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये पूरे 15 आवाम की जीत है। और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि उधर 45 नंबर वार्ड में भी संतोष पाठक जी भी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है, और क्या इसके बारे में? देखिए, संतोष पाठक एक लड़ाकू नेता है जी, वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। वहाँ भी बूथ दखल करने किया था जी, मैंने मीडिया का माध्यम देखा, लेकिन मैं संतोष पाठक को शुक्रिया कि अपने दौलत अपने ओडी को अपने वोट को हिफाजत कर लिया, नहीं तो लुटेरा लूट लेता। जैसे कि असम्बली में जो है कांग्रेस को कुछ भी सीट नहीं मिला था, स्टार्टिंग से ही कुछ पार्टियां बोल रहे थे कि इस बार भी कांग्रेस नील हो जाएगा, मगर इस बार सबसे पहले जो सीट आपने 137 में माइनॉरिटी को जिता करके साउथ कलकत्ता में, इस तरीके से क्या फिर उस तरीके से? देखिए, एबीपी आनंद दिखा रहा था मीडिया माध्यम कि तृणमूल पूरा 144 सीट लेगा, विरोधी 0, कांग्रेस 0, ये साबित कर दिया कि आने वाला कांग्रेस कि पश्चिम मामले क्या रुमाया रोल करेगा, ये टीएमसी को समझना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो 144 सीट का इलेक्शन हुआ, लड़ाई किया कांग्रेस, लड़ाई किया, फैट किया कांग्रेस किया, बहुत जगह में कांग्रेस ही ने फैट किया, और हर जगह में सेकंड पोजिशन में कांग्रेस है। और जो लोग बोले थे कांग्रेस 0, तो ये बड़ा आप देख ले आके गिरवान अपना जाके देखे, अगर आसमान को थूकने से थूक उन्हीं पर पड़ता है, 0 है कि 0 है आप देख लीजिए। आप नहीं, वोट परसेंटेज तो आपका बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, बदलाव जी। खासतौर के एक अंक में काजल, एक अंक में सुरमा, ममता मांझी जा रही है गोवा में कांग्रेस खत्म करने के लिए, त्रिपुरा गई थी कांग्रेस खत्म करने के लिए, बम्बई गए कांग्रेस खत्म के लिए, लेकिन कांग्रेस कोई तालाब का पार्टी नहीं है, कांग्रेस समुंदर पार्टी है। अब समुंदर रहने वाला समुंदर को लहर को लड़ना जानता है कि किस तरह कांग्रेस लड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और आने वाला सब जातिवाद सब धर्म को हिफाजत कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकता है। मटिया ब्रुज गार्डन रिच में मोहम्मद मुख्तार साहब का नाम सिर्फ सियासी वजह से नहीं जाना जाता है, सामाजिक कार्य की वजह से जाना जाता है, और ये मोहम्मद मुख्तार साहब कई सौ सैकड़ों लीडर को पैदा किया है, हमेशा से ये लीडरशिप पैदा करते हैं। 2015 में भी 135 से जिताया था अख्तरी शहजादा को, और तारिक मुल्ला को 140 से जिताया था, इस तरीके से ये लीडर पैदा करते हैं। इस बार फिर वसीम अंसारी साहब को आपने जीत दर्ज करवाई है, और काफ़ी इस हलके में जो आप सेकंड पोजीशन में रहे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से और एक दो सीट नहीं निकल पाई जो निकलनी थी, इसके बारे में क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं मोहम्मद मुख्तार साहब से। देखिए, जो वार्ड में कांग्रेस लड़ाई किया है जी, फैट किया, वो जीत हुआ है जी। जितना टीएमसी ने वोट का लूट हुआ है जी, पुलिस के माध्यम में, कटर के माध्यम में, कल तक बोलते CPM लुटेरा है, लेकिन हम बोले पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा लुटेरा टीएमसी पार्टी है जो वोट को लूट किया है जी। नहीं तो अगर वसीम अंसारी अगर लड़ाई नहीं करता, फाइट नहीं करता, उसका वोट लूट हुआ था। संतोष पाठक अगर फाइट नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, उसको भी हराने की कोशिश किया था। इसलिए अपना माल अपना धन को खुद बचाना होगा, कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस कर्मी को सामना आना पड़ेगा, फाइट करना होगा, पब्लिक से मिलना पड़ेगा, पब्लिक का दुख दर्द को समझना पड़ेगा, तभी कांग्रेसी उन्हें जो गिरास रूप से कांग्रेस को हर कर्मी को काम करना होगा।
देखिए आप तो बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप पौरसभा का इलेक्शन है, चेयर म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन है, हावड़ा कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन होने वाला, तो उसमें क्या लाहे अमल रहेगा नहीं रहेगा? कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से जो असम्बली में जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का मोरल डाउन हो गया था कि कुछ भी सीट नहीं आया, कुछ जीरो हो गए हम लोग, मगर ये कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो रिजल्ट आपने जो किया है, दो सीट पहले भी थी, दो सीट अभी भी आ चुकी है, वोट परसेंटेज बढ़ा, तो हमारे ख्याल से मॉरली आप अप हुए, तो यह हावड़ा और म्यूनसिपलिटी में क्या असर हुआ? देखिए 2020 में एमएलए इलेक्शन हुआ था, 21 में हुआ था, तो उस वक्त संख्यालघु जो वोट था मुसलमानों का वोट था, मुसलमानों ने समझा कि मोदी को रोक सकता हम नमे जी, एक तरफा वोट किया था, लेकिन अब अकलियत तो समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं कि मुसलमानों का अकलियत का हिफाज कौन कर सकता है। आज बहुत दुख के लगता है जो पश्चिम बंगाल में 2021 में जो एमएलए इलेक्शन में ममता बनर्जी ने अकलियतों को अकलियतों लोगों ने मुसलमानों ने औरतों ने झोला भर के वोट दिया, और यहाँ की औरतों के लिए 500 रुपया और गोवा की औरतों के लिए 5000, ये सौतेलापन समझ में आ रहा है और समझ रहे हैं। और हावड़ा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मैं चाह रहा हूँ जिस तरह से ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, अगर पब्लिक के साथ अगर जुड़े रहिएगा, पब्लिक को समझाइएगा ये एरिया का इलाकाई मुकाबला हो रहा है, इलाकाई इलेक्शन हो रहा है, जो इलाकाई काम करेगा काम के आधार पर वोट मांगना पड़ेगा। आपके हल्के से आज़ाद उम्मीदवार भी 135 से जीता, वो समझिए कि 135 की सीट तो आपकी थी, और इस बार नहीं, जो मौजूदा काउंसलर थी 2015 में कांग्रेस का झंडा लेके वो जीती थी, वही लोग बोले कांग्रेस से दोगाबाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस क्या क्या है, अगर हमने कहा कि तुम्हें टिकट दिला के तुम लोगों का नाम उजागर किया, तुम लोग पहचान दिलवाया, ये तो गाड़ी गाँव हम नहीं जानता था कि सयादा क्या लड़का है, कोई जानता नहीं था, लेकिन जो सौतेलापन कांग्रेस हद करेगा उसका अंजाम यही होगा। अब ये आवाम ने जब ये आवाम से धोखा किया है, कांग्रेस से धोखा किया है, आवाम उसका जवाब दे दिया। 144 वार्ड में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है, आज के दिन क्या पैगाम देना चाहते हैं? जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। नहीं, जीत हाथ होता रहता है, हम ये पैगाम दे रहे हैं, इलेक्शन एक दिन का है, हमारे जने कार्यकर्ता है, जियो और छीनो दो, अमन शांति का पैगाम हो, इसलिए कि जीत के मतलब नहीं किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना, आवाम का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए, आवाम ने आपको जिताया है और आवाम के लिए अमन शांति का पूरा आपको जिम्मेदारी लेना होगा, और एरिया में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं